स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर विद्यालयों में हुआ सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन। स्वामी विवेकानंद जिन्हें युवाओं का प्रेरणा सूत्र माना जाता है, मानव सेवा और राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य रखने वाले विवेकानंद जी महज 39 वर्ष की उम्र में ही विश्व पर छा गए। विदेशों में आज भी इनके भाषण का लोहा माना जाता है, तो भारत देश में इनकी जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष में शहर के सभी विद्यालयों में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें सूर्य नमस्कार की 1 से 12 स्थितियों तथा मुद्राओं में सूर्य नमस्कार किया गया, जिसमें छात्रों के साथ विद्यालय के प्राचार्य और शिक्षक भी सूर्य नमस्कार करते नजर आए। पादहस्तासन की स्थिति में धीरे धीरे आगे झुकिए, हथेलियों को अपने पैरों के पंजों के अगल बगल में जमीन पर टिकाए, सिर को घुटने पर लगाने का प्रयत्न करें, जितना पास ले जा सकते हैं। श्वास को भरते हुए 4 अश्व संचालन आसन, बाएं पैर को जितना पीछे ले जा सकते पीछे ले जाए, दाएं पैर दोनों हाथों के बीच में, बाएं पैर का घुटना जमीन पर टिका हुआ, और 7 आगे की ओर श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचिए, 8 पूरा पर्वतासन, तंबू को ऊपर की ओर उठाइए, एड़ियों को जमीन पर लगा, 9 अश्व संचालन आसन की स्थिति पुनः, अपने बाएं पैर को अब हमने आगे लिया है, 10 दाहिने पैर को छोड़ी नाभि की ओर, श्वास छोड़नी है पूरी तरह से, 6 अष्टांग नमस्कार, पैरों के पंजों को पीछे फैलाइए, फिर घुटनों को टिकाइए, छाती और फिर उसके बाद ठुड्डी, प्रार्थना की स्थिति, 2 हस्तोत्तानासन, धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाइए, 3 श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, सिर में रक्त के प्रवाह का अनुभव, 4 अश्व संचालन आसन, बायां पैर पीछे, पैर को पीछे ले जाने के बाद पंजे को जमीन पर लगाइए, एड़ियों पर उठे हुए घुटना टिका हुआ, 5 दाहिना पैर भी पीछे, पर्वतासन की स्थिति, कहीं जबरदस्ती नहीं, कहीं पर जोर न लगाए, श्वास को न रोके, नियमित रूप से चलता रहे, बाएं से भरे दाहिने से छोड़े, दाहिने से भरे तो बाएं से छोड़े, दोनों हाथों को पीछे छोड़ दें, जब तीनों चक्र पूरे हो जाए, आंखों को बंद करते हुए प्राणायाम के अभ्यास से विलोम विलोम से श्वास का संतुलन होता है, सभी नाड़ियों में शुद्धि होती है, नियमित अभ्यास के बाद ही करना चाहिए। इसके शुरुआत में हम मंद गति से, फिर मध्यम गति से, फिर तीव्र गति से करेंगे, गति से श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। दूसरी का प्राणायाम शुरू कीजिए, मंद गति से भरिए और ध्यान रहे, कफ या जुकाम की स्थिति में नासा छिद्र बंद हो तो इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें।